नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। बॉलीवुड जगत से बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। टीवी की दुनिया के जाने माने अभिनेता और बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का गुरुवार को निधन हो गया। मुंबई के कपूर अस्पताल ने सिद्धार्थ के निधन की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ की हार्ट अटैक से मौत हुई है। हार्ट अटैक के बाद आज उन्हें मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहाँ उनकी मौत हो गई। सिद्धार्थ शुक्ला के अचानक निधन से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री स्तब्ध है। 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ के आकस्मिक निधन पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा। सिद्धार्थ के निधन के बाद उनका आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला ने 24 अगस्त को आखिरी बार इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर पोस्ट की थी। फ्रंटलाइन वर्कर्स को शुक्रिया अदा किया था। सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, सभी फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिल से धन्यवाद। आप अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं, अनगिनत घंटे काम करते हैं और उन रोगियों को आराम देते हैं जो अपने परिवारों के साथ नहीं हो सकते। आप वास्तव में सबसे बहादुर हैं। अग्रिम पंक्ति में रहना आसान नहीं है, लेकिन हम वास्तव में आपके प्रयासों की सराहना करते हैं। उन्होंने आगे लिखा, मुंबई डायरीज ऑन प्राइम इन सुपर हीरो के लिए सफ़ेद टोपी नर्सिंग स्टाफ और उनके अनगिनत बलिदानों के लिए एक श्रद्धांजलि है। 25 अगस्त को ट्रेलर आउट, द हीरोज बी ऑफ। सिद्धार्थ शुक्ला को टीवी सीरियल बालिका वधू से पॉपुलरिटी मिली थी, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो दिल से दिल तक सीरियल में भी नजर आए। बॉलीवुड में उन्होंने हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म से डेब्यू किया था। सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म 12 दिसंबर 1980 को मुंबई के हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने मॉडलिंग के दिनों में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।